क्या नरेंद्र मोदी ने यह सोचा कि कोई बात नहीं है, दो टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है, हम ये पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हैं और इसलिए मोदी की गारंटी, मोदी को कैंपेन का सेंटर पॉइंट बना दिया, या ये सब कुछ नहीं, नहीं है नहीं, मोदी एक नार्सिसिस्ट हो गए थे? नहीं नहीं ऐसा है, मोदी जी इस भ्रम में थे, जो मोदी जी के नाम पे ही पूरा ब्रह्मांड चलता है। हाँ, विष्णु के रूप तो घोषित कर ही दिए थे अपने को। हम ये कह रहे हैं आपको आशुतोष जी, जो यहाँ पे मैंडेट और रुझान की बात हो रही है, आपको याद होगा 1989 ईस्वी में राजीव गांधी को कांग्रेस को 189 सीट था, सबसे बड़ा दल था। उसने कहा जो मैंडेट मेरे फेवर में नहीं है मैं स्टेक क्लेम नहीं करूंगा। ठीक है, आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, 148 से 50 सीट नरसिम्हा राव को मिला था 96 में। आप देखिए मैंडेट का रुझान क्या है। मैंडेट का रुझान ये है जो वो बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी को इस बार नकार रहा है, बोले तो हाँ उसके पक्ष में वोट नहीं है, उसके खिलाफ वोट है। इसीलिए हमको लगता है यदि एक तरह से देखा जाए, यदि एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट आशुतोष जी, हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं अरे अंतर क्या है, कोई नहीं अंतर है, 272 से जो कम है बराबर है दोनों। मैं ये कह रहा हूं आपको, आपको नहीं नहीं आपको हम ये कह रहा हूं आशुतोष जी, जो यदि एनडीए सरकार बनाना चाह रहा है तो कम से कम अपने नेता को बदले। ये जो मैंडेट है वो लीडर के खिलाफ है। मोदी जी ने पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगा था, अपने नाम पे वोट मांगा था। जनता यहां की उनको नकार दिया है, ये वोट, ये मैंडेट उनके खिलाफ है, अमित शाह के खिलाफ है और मोदी के खिलाफ है। इसीलिए इस मैंडेट को यदि वो रेस्पेक्ट करना चाहते हैं बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, तो अपना नेतृत्व बदले और फिर जो गठबंधन का है उनका अपना धर्म वो निभाए और सरकार चलाए। लेकिन आप मोदी जी को बैठाइएगा और कहिएगा 245 सीट मोदी जी का है और कल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पार्टी तोड़ करके फिर मिलाइएगा महाराष्ट्र के तरह और फिर तोड़ जोड़ कीजिएगा, ये कर्म कुकर्म तो ही रहा है 10 साल से यहाँ। अच्छा, एक हमारे साथ वोटर हैं, कॉमन वोटर हैं, आप लोग तो खैर खास पैनलिस्ट हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, एक कॉमन जो वोटर है जो सहारा के निवेशकों के बारे में बोलते रहते हैं, शुभम आपको क्या लगता है क्या चला गया बीजेपी के खिलाफ में, क्या गया बीजेपी के खिलाफ में ऑन द ग्राउंड? अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट है, अनम्यूट है। हार के जीतने वाले को बारिश कहते हैं। पहले तो जो झा साहब अभी बोले थे था कि भाई ये हार गया वो हार गया, सर हर चीज आप में डिस्टरबेंस है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है बाबा, आपकी आवाज में गड़बड़ी है, आप अपना वीडियो ऑफ कर लो फिर बोलो, वीडियो ऑफ करके बोलो। जी आपको ये लगता नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी को ये कहें कि वो अपने को विष्णु का अवतार समझने लगे थे, उनको लग रहा था कि उनके ऊपर नाच रहा था, ये और बात है ये? हाँ आ रही है, बोलो बोलो शुभम, बोलो शुभम बोलिए। अरे बोलिए शुभम, चलिए आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। सतीश जी आप कर्नल साहब को कह रहे हैं, कर्नल कर्नल साहब जरा सतीश जी का जवाब दीजिए, आप सतीश जी का जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को एक भ्रम हो गया था कि वो तो भगवान है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, अरे यार अनम्यूट करिए यार, अनम्यूट करिए ऑडियो। कह रहा था कि सतीश जी को इतना कष्ट क्यों है कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है, हर व्यक्ति में भगवान निवासित है, प्रसन्नता क्या है, उन्होंने ध्यान मग्न किया इसमें इनको कष्ट हो गया, भाई क्यों
वो क्या मोदी जी में भगवान निवास नहीं करते? क्या महमूद में भगवान निवास नहीं करते? क्या आप में भगवान निवास नहीं करते? यही तो सनातन फिलोसफी है, हर व्यक्ति में भगवान निवास करते हैं, इसमें कष्ट क्यों होना चाहिए? जहां तक ये कह रहे थे कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अरे मोदी जी ने ये लड़ाई जीत लिया, ये जंग तो जीत लिया, दो दो युद्ध के दो खेमा थे, एनडीए और इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस को 230 ध्वस्त हो गई इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस को 295। अब जीते हुए बाजीगर को कहते कि आप हार गए, क्यों हार गए? क्योंकि आप कम नंबर से जीते, पिछले बार ज्यादा नंबर से जीते। अरे कम ज्यादा नंबर तो होता है, लेकिन नाम उसी का होता है, कैप्टन वही होता है, जनरल वही होता है। अरे साहब ये हार मैं इसलिए मान रहा हूं, जरा सुनिए, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जो उफान उठा और जिस प्रकार से उसकी कवरेज हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, मुझे पता नहीं अभी और फाइनल आंकड़ा कहीं और ना बदल जाए, 38 समाजवादी पार्टी है और 7 कांग्रेस है, 45 सीट पर अपोजिशन खड़े हो गए हैं सर आकर के, 45, ये मिरेकल है उत्तर प्रदेश में, और वो तब है जबकि सब लोगों का अनुमान ये था कि पूरे देश में कुछ भी रिजल्ट आ जाए, उत्तर प्रदेश में 70 से नीचे नहीं जाएगा बीजेपी का आंकड़ा। ये कैसे हो गया सर? ये आपका कहना एकदम सही है, थोड़ा कम आया हुआ, कम तो मतलब पिछले बार जितनी सीटें आई थी उससे निश्चित तौर से काफी सीटें कम आई है अनुमान के हिसाब से, ये तथ्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता इस वक्त, लेकिन कम क्यों आई है वो आकलन करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी की कि एक मिनट बोल लीजिए करना साहब, सतीश जी को मैं देना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप बोलिए। बीजेपी के साथ एक समस्या क्या है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट हासिल नहीं कर पाती है, उनका विश्वास नहीं हासिल कर पाती है, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने किया आप उनको उनके लिए। आपको ताज्जुब होगा, जो सहारा के जो मित्र है यहाँ पर, सहारा को इतना हल्ला मचा रहे थे ये निवेशक, मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन ताज्जुब होगा कि 10 साल के यूपीए शासन में किसी ने इनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया। सहारा फल फूला, पैसा निवेश हुआ उसमें, वो उनके जमाने में हुआ है, यूपीए के जमाने में, मतलब विरोधी पक्ष में। ये तो पहले बार बीजेपी आई है, एनडीए आई है, जिसने की एक पहल किया हुआ है कि जो गरीबों का पैसा, जो मुश्किल पैसा होता है, बड़ा पसीना से कमाया हुआ पैसा है, उसको किसी न किसी हिसाब से लौटाने का प्रयत्न भी इसी एनडीए सरकार ने किया है। अगर ये ज्यादा ये हमें मानना तो पड़ेगा, ये तथ्य है कि बीजेपी के सरकार में ही पोर्टल बनाई गई है और सारा के निवेशकों को रहा है। इससे पहले क्या कोई बता सकता है यूपीए की सरकार ने क्या किया था? ऑडियो वीडियो खराब है, बोलो शुभम, बोलो तो बोलो क्या बोल रहे हो शुभम, बोलो। अरे यार आपका टर टर करके आ रही है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।